हेलो गाइस, माय नेम इज आदित्य दुबे। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑन माय चैनल। आज से मैं नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है मध्य प्रदेश करंट अफेयर सीरीज। और इस सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा मंथ का करंट अफेयर जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है हमारे एमपीपीएससी एग्जाम्स के लिए। यदि आप एमपीपीएससी 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एमपीपीएससी से रिलेटेड एग्जाम जो प्रीलिम्स और करंट अफेयर से डील करता है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा 1 जून से 20 जून तक का करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जो है माई एमपी रोजगार। माई एमपी रोजगार पोर्टल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ताकि वो मध्य प्रदेश के युवाओं को जॉब प्रोवाइड कर सके। इसके बारे में और डिटेल्स जानते हैं कि टू प्रोवाइड जॉब टू यूथ एज पर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, मतलब स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे युवाओं को जॉब प्रोवाइड करने का काम है इस पोर्टल का। इसमें यूजर रजिस्ट्रेशन होगा जो कि यूथ करेगा और साथ ही साथ एक एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन होगा जो कंपनी करेगी। अब यदि किसी भी कंपनी में अगर किसी भी एम्प्लॉय की डिमांड होती है तो इस वेबसाइट के थ्रू मींस इस पोर्टल के थ्रू वो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं और बेस्ड ऑन स्किल सेट्स और क्वालिफिकेशन वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि ये जो पोर्टल है ये भोपाल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना इनमें से किस जिले से लॉन्च की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विच इज होशंगाबाद। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च की गई। अब इसके बारे में और पढ़ सकते हैं आप कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना होती क्या है। ये एक चीफ मिनिस्टर पब्लिक वेलफेयर स्कीम है जो होशंगाबाद से लॉन्च की गई और इसका उद्देश्य ये है कि ये वेलफेयर कर सके जितनी भी पुअर फैमिलीज हैं हमारे एमपी में। इसके अलावा इस स्कीम के तहत फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और फ्री हाउस अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा जो भी पुअर फैमिली होगी। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुस्कान किरार का संबंध इनमें से किस खेल से है। अब जनरली एमपीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम दे दिया जाता है और उससे एसोसिएटेड स्पोर्ट्स का नाम पूछा जाता है। तो वैसे इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि स्पोर्ट पर्सनालिटी का मींस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मींस किस डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएट है कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। तो वैसे इसके सही आंसर की बात की जाए कि मुस्कान किरार की, तो ये आर्चरी से संबंधित है। आर्चरी आप जानते होंगे, तीर कमानी, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट गेम है और ये जो खेला जाता है ये खेला जाएगा मुस्कान किरार जी के द्वारा। और इसके बारे में आप आर्टिकल जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था वो भी पढ़ सकते हैं कि इन्होंने वुमेन कंपाउंड गोल्ड आर्चरी एशिया कप जो बैंकॉक में हुआ था उसमें गोल्ड हासिल किया। ओके, सो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि जबलपुर टीनेजर मुस्कान किरार विंस एशिया कप आर्चरी गोल्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका एक और फैक्ट कवर हो गया कि मुस्कान किरार का संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। रिसेंटली इन्होंने कंपाउंड वुमेन टीम इवेंट में मींस वर्ल्ड कप स्टेज के टू में जो कि अंटालिया टर्की में हुई थी तो उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वन और हु बैक्ड सिल्वर मेडल इन कंपाउंड वुमेन टीम इवेंट इन द वर्ल्ड कप स्टेज टू। ओके, तो इसका सही आंसर है मुस्कान किरार जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट की बायोडाइवर्सिटी कमेटी को नेशनल अवार्ड मिला रिसेंटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज सतना। सतना की जो बायोडाइवर्सिटी कमेटी है जो कि पिथौराबाद सतना में है उनको रिसेंटली मैनेजमेंट कमेटी जो उनकी है उसको नेशनल अवार्ड मिला तेलंगाना में। ओके, अब तेलंगाना से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे एमपीपीएससी में जनरली पूछा जा सकता है, वो ये है कि तेलंगाना की स्थापना कब। मींस ये 29th स्टेट है हमारे इंडिया का, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014। ओके, 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई। अब इसके गवर्नर कौन थे, मींस इनके गवर्नर जिन्होंने सतना बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को अवार्ड दिया वो थे ई नरसिम्हन। ओके, और ये जो कमेटी है मींस जो सतना की बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है ये पिछले 7 साल से 125 ट्रेडिशनल राइस कैटेगरी को कंजर्व कर रही है। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्लांटेशन के लिए भी काम किया हुआ है और एमपी में पिछले 7 सालों से काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी बायोडाइवर्सिटी कमेटी को नेशनल अवार्ड रिसेंटली मिला तेलंगाना में। तो इसका सही आंसर है सतना बायोडाइवर्सिटी कमेटी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन एमपी गवर्नमेंट को 21,000 करोड़ रुपए लोन देगा। ओके,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विच इज नाबार्ड। अब नाबार्ड से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ जो आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आप जानते होंगे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। ओके, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 12th of July 1982 को। मीन्स 12th of July 1982 को नाबार्ड स्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इनके करंट चेयरमैन भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, वो है हर्ष कुमार भानवाला। ओके, हर्ष कुमार भानवाला मीन्स HKB। ओके, इसके अलावा मैं दूसरा फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि सिंस ऑप्शन में एसोसिएट है तो इसको भी जानना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि सिडबी, सिडबी की स्थापना कब हुई? तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990। ओके, 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। और अगर SBI की स्थापना पूछी जाए आपसे तो SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यदि आपको पता है तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। SBI को पहले किस नाम से जाना जाता था? मीन्स SBI एक बैंक है, मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पुराना नाम क्या था? ओके, तो यदि आपको ये पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं कि नाबार्ड टू लेंड 21,000 करोड़ टू मध्य प्रदेश इन करेंट फिस्कल, मीन्स करेंट फाइनेंशियल ईयर में नाबार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को 21,000 करोड़ रुपीज लोन देगा। ये किस लिए देगा? ये इसलिए दे रहा है ताकि इरिगेशन, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा सके रूरल एरिया में, और साथ ही साथ सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में भी 3,000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जा सके। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन एट नेशनल एग्रीकल्चर एंड मनरेगा कम्युनिटी, मतलब इनमें से किस व्यक्ति को अध्यक्ष चुना गया है नेशनल एग्रीकल्चर और मनरेगा कमेटी का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विच इज शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर और मनरेगा कमेटी का। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शंस की तो आनंदीबेन पटेल, आप जानते हैं ये हमारे MP के गवर्नर हैं। और इसके एसोसिएटेड दूसरा फैक्ट मैं बताना चाहूंगा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, यदि आपसे पूछा जाए कि मिस आनंदीबेन पटेल इनमें से किस कौन से नंबर की मीन्स गवर्नर बनी है MP की, तो वो है 27th नंबर की गवर्नर MP की। ओके, और अगला ऑप्शन जैसे भाई महावीर, अगर आपसे पूछा जाए तो भाई महावीर जी हमारे MP के गवर्नर थे जब MP का पार्टीशन हुआ, मीन्स जब MP से CG अलग हुआ, तब उस वक्त जो MP के गवर्नर थे वो भाई महावीर जी थे, और ये MP के 20th मीन्स 20वें गवर्नर थे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जी का ट्वीट कि राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति का अध्यक्ष मनोनीत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार। इसमें सदस्य बिहार, सिक्किम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर किसान और श्रमिक के कल्याण हेतु संकल्पित होकर कार्य करें। तो आप ये ट्वीट पढ़ सकते हैं, इसमें ट्वीट में काफी सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड है जो इस फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल फैक्ट बताना चाहूंगा। इसका डिसीजन नीति आयोग की 4th मीटिंग में लिया गया, मींस काउंसिल जो नीति आयोग के द्वारा बनाई गई थी, और इसको चेयरमैनशिप मींस इसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में। ओके, अब इस समिति में मींस इस कमिटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो इसमें मेंबर हैं चीफ मिनिस्टर बिहार के, सिक्किम के, गुजरात के, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश के। ओके, तो आपसे अलग क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस समिति में किस स्टेट का मेंबर नहीं है या कौन सा स्टेट इसमें शामिल नहीं है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ओके, और शिवराज सिंह चौहान जी को एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ताकि वो एग्रीकल्चर इनकम को 2022 तक डबल करें। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मीन्स एग्रीकल्चर इनकम को डबल करने का टारगेट किस साल को रखा गया है, तो ये आपका है 2022 मीन्स 2022 तक सारे किसानों की जो इनकम है मीन्स एग्रीकल्चर इनकम है उसको डबल करने का काम है। ओके, और इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को। अगला क्वेश्चन है कि ग्रांट ऑफ ₹ पर काउ टू बी गिवन टू गौशाला एंड गौ संरक्षण, मतलब गौशाला और गौ संरक्षण के लिए इनमें से शिवराज सिंह चौहान जी ने कितने रुपए अनुदान करने की बात की पर काउ? तो इसका सही आंसर है 17 रुपीज। 17 रुपीज जो है वो ग्रांट है, मीन्स जो शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी रिसेंटली जो प्रोग्राम हुआ था जो कि 39th दीक्षांत दिवस और 61st बर्थ एनिवर्सरी थी गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र
सुरेश्वर की, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो वहां पे शिवराज सिंह चौहान जी ने अनाउंस किया था कि 17 रुपीज पर काउ का ग्रांट दिया जाएगा ताकि गौशाला और गौ संरक्षण किया जा सके। ओके, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस पर्सनालिटी जो एमपी से संबंधित है वो इंटरनेट सेंसेशन बने, जिनका नाम है डांसिंग अंकल। आपने जरूर इनका वीडियो जरूर देखा होगा, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, सब जगह ज्यादा वायरल हो चुका है। तो ये एमपी से एसोसिएटेड है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीव श्रीवास्तव जी। तो इनके बारे में आप ट्वीट भी देख सकते हैं, संजीव श्रीवास्तव जी का और शिवराज सिंह चौहान का। तो शिवराज सिंह चौहान जी का ट्वीट आप देख सकते हैं कि हमारे विदिशा के भोपाल में कार्यरत प्रोफेसर श्री संजीव श्रीवास्तव जी की जिंदा दिली ने पूरे भारत में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। मानो ना मानो मध्य प्रदेश के पानी में कुछ तो खास बात है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। वैसे डांसिंग अंकल एक्चुअली में इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते, बट लेकिन करंट अफेयर से एसोसिएटेड हो सकता है और एमपी से एसोसिएटेड है, इसलिए मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। सो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने जून के करंट अफेयर जो 1 से 20 तारीख तक के थे उनको कवर किया। यदि आपको ये मेरा चैनल मीन्स ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है करंट अफेयर का, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं और भी नए करंट अफेयर की वीडियोस अपडेट जल्दी करूँगा। इसके अलावा अगर आपको ये चैनल मीन्स इस चैनल में जितनी भी जो वीडियोस हैं उससे एसोसिएटेड कोई भी पीडीएफ लिंक्स या कोई अपडेट चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक है t.me/aditya-dubey-mbbsc। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, मीन्स फ्रेंड बन सकते हैं, जो कि है facebook.com/aditya-dubey-mbbsc। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टिल नाउ। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।